साहस सरोकार। लखनऊ में किन्नरों का लगा जमावड़ा, पुलिस पर कार्रवाई ना करने का लगा आरोप। सुल्तानपुर में कैंसर का सफल ऑपरेशन, जिले में पहली बार कान और गले का ऑपरेशन। कानपुर में केडीएकॉन का आयोजन, कई कंपनियों ने लगाए स्टॉल। चंदौली में सेनानी मंगल बिहार का सम्मान समारोह, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया उद्घाटन। आगरा में ताज नगरी में रॉयल चौराहे का बदला नाम, स्वर्गीय कमलेश गुप्ता चौराहे के नाम से जाना जाएगा। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में एक तरफ अवैध निर्माणों की कतार लगी है, तो वहीं विकास प्राधिकरण भी लगातार इन अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर रहा है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा इलाके में यजदान बिल्डर द्वारा बनाई गई 7 मंजिला इमारत को एलडीए ने ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल के साथ एलडीए के वरिष्ठ अधिकारी यजदान बिल्डर के अवैध बनी बिल्डिंग पर पहुंचे और वहां ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू किया। आपको बता दें कि इस पूरी इमारत में 48 फ्लैट हैं और जिसमें से 36 रजिस्टर हैं, तो साथ ही बिल्डर द्वारा इन सबको रेरा द्वारा भी नामांकित कराया गया था। साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इतने सालों तक निर्माण होता रहा और एलडीए ने अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई थी। जो मेरे संज्ञान में मेरे कार्यकाल के बाद देखा गया, उसमें उसके पहले भी ध्वस्तीकरण हुआ था, पूर्व वीसी के कार्यकाल में ध्वस्तीकरण कराया गया था, लेकिन पूरे बिल्डिंग के कुछ भाग को जितना तोड़ा जा सकता उतना तोड़ा गया, लेकिन पूरी की पूरी ध्वस्तीकरण को 100% अंजाम देने के लिए आज से काम शुरू किया गया। सर, सवाल ये है कि लगातार प्राधिकरण की तरफ से ऐसे तमाम जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहां पर नोटिस जारी होता है, सीलिंग के आदेश होते हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं होती और नतीजा ये कि इतने बड़े अपार्टमेंट बन जाते हैं और लोगों को भी तमाम समस्या का सामना करना पड़ता है। ढेर सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं धरातल पे पिछले 4 महीनों में। मैक्सिमम सीलिंग की कार्रवाई की गई है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, FIR भी दर्ज कराई गई हैं। तो ये कार्रवाई अनवरत प्रक्रिया है और जैसे लोग उल्लंघन करते हैं उसी तरह से हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त हम बालू अड्डे लखनऊ हजरतगंज थाना क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने यजदान बिल्डर जो हैं, इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी 2015 में। उसके बाद से लगातार जो है एलडीए इनको नोटिस देता गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी मौजूद है, मीडिया का हुजूम भी है और बिल्डिंग तकरीबन 8 माले की है और इसे लगातार सुबह से तोड़ा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 2015 में ये निर्माण शुरू कराया गया यजदान बिल्डर द्वारा। यहाँ पर तकरीबन 38 फ्लैट हैं और यहाँ के जो फ्लैट्स हैं तकरीबन सबकी रजिस्ट्री हो चुकी है और यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो ख़रीदार करता हैं वो भी यहाँ पर रहना शुरू कर चुके थे, लेकिन उन्हें सुबह तकरीबन तड़के यहाँ से हटाया गया, निकाला गया, पुलिस द्वारा निकाला गया। उन्हें यहाँ से एक वार्निंग दी गई कि आप यहाँ से हट जाइए। पुलिस बल यहाँ पर, भारी पुलिस बल मौजूद है और तमाम जो मीडिया के लोग यहाँ भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पे भारी हुजूम पुलिस का, मीडिया का है, लगा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है कि एलडीए अब तक तकरीबन कुल मिला के 6-7 साल हो गए हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग यजदान बिल्डर ने बना दी, उसके बावजूद भी एलडीए अब तक नहीं जागा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल होता है एलडीए के ऊपर भी और एलडीए के जो अधिकारी हैं उन पर भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि सालों हो गए और शायद अगर सालों ना होते तो कुछ दशक भी हो जाते, लेकिन एलडीए कार्रवाई नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एलडीए ने कार्रवाई की है, लेवाना अग्निकांड हुआ उसके बाद एलडीए लगातार जागा है, एलडीए ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़े स्तर पर जो होटल्स हैं, जो बिल्डिंग हैं, तमाम जगह हैं वहाँ पर एलडीए ने अपनी छापेमारी की
और उसके बाद वहाँ के जो मकान हैं जो अवैध निर्माण है उनको बंद कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने साल हो गए इसके बावजूद भी जो अभी हाल ही में हमारी बात हुई थी, ज्ञानेंद्र वर्मा हैं अपर सचिव हैं LDA के, उन्होंने ये कहा कि जो है लगातार जो बिल्डर को नोटिस दिया जा रहा था। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि क्या नोटिस देना ही एकमात्र LDA का काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना अधिकारी के बिना कर्मचारी के LDA के बगैर नोटिस किए ऐसा काम नहीं हो सकता। 7-8 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है उसके बाद भी LDA नहीं जागता। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब LDA जो है जो बायर्स हैं 38 फ्लैट हैं यहाँ पर उनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, क्या LDA उनको मुआवजा देगा या फिर LDA ऐसे ही लापरवाही करता रहेगा। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, टाइम टीवी, लखनऊ। सुल्तानपुर में स्थित गीता हॉस्पिटल में नाक कान और गले के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन डॉक्टर अमित कुमार सिंह द्वारा किया गया है। कैंसर पीड़ित मरीजों को लखनऊ या वाराणसी जैसे शहरों में दर दर भटकना पड़ता है। आपको बता दें कि गीता हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध है। इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार के ऑपरेशन समुचित तरीके से किए जा रहे हैं। इस अनूठी पहल से जिले में चर्चा हो रही है। हमारी माता जी को कैंसर है, हमको लखनऊ ले गए, बनारस ले गए, काफ़ी जगह पे दिखाया। उसके बाद हम सुल्तानपुर आए, डॉक्टर AK सिंह नाक कान गला के डॉक्टर हैं, इनसे मैंने सलाह लिया, इनको दिखाया। उसके बाद 1-2 महीने तक इलाज किए, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन माता जी का सक्सेसफुल हुआ है। मैंने कैंसर विभाग में एम्स ऋषिकेश में और कैंसर संस्थान राजकीय कैंसर संस्थान गजरिया लखनऊ में लंबे अरसे तक काम किया है, वहाँ से काफ़ी तजुर्बा लिया है। प्राथमिकी रूप से मैं ज़्यादा नाक कान गले की सर्जरी करता हूँ, मगर चूंकि कैंसर में एक्सपोज़र अच्छा खासा था और किन्हीं कारणवश अब सुल्तानपुर में काम करना पड़ता है हमें, तो यहाँ गीता हॉस्पिटल नाम का हमारा अपना अस्पताल है दरियापुर सुल्तानपुर में, जहाँ यह अस्पताल आयुष्मान भारत से भी संबद्ध है और हर प्रकार की सुविधा संपन्न होते हुए मरीजों को कम से कम कीमत में अधिक से अधिक और बेहतर सुविधाएँ देने के हम पूरी प्रयत्न करते हैं। तो क्या बोले, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष जी, ये मुख्यमंत्री जिले में जो ये प्रसिद्ध हो रहा है हॉस्पिटल, इसकी क्या वजह है? आपको बता दें, ये नाक कान गले के डॉक्टर हैं जो सुल्तानपुर के दरियापुर तिराहे के पास जो है इनका एक हॉस्पिटल है, जो बताया जा रहा है ये आयुष्मान से भी जो है हमारा लिंक है और उसको लेकर ही यहाँ पे हम मरीजों का इलाज भी करते हैं, मरीजों का ध्यान भी देते हैं। लेकिन उनकी एक पहल अनूठी बात ये आ रही है, पहली बार उन्होंने एक कैंसर महिला का जो है जान बचा के जो है बड़ी एक सफलता हासिल किया है, जो एक मरीज वहाँ पे जो है डॉक्टर की एकदम खुशी कर रही है या सहायता पूर्वक कर रही है या जो है उनकी सफलता पूर्वक कर दीजिए, जो भी कुछ कर दीजिए, मतलब उसको लेकर एक चर्चा का विषय बन गया है वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे जो आसपास के जिले के जितने भी लोग हैं, क्या सभी यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आ सकते हैं, चाहे वे गरीब तबके के हो चाहे कहीं के हो? जी बिल्कुल, आपको बता रहे, डॉक्टर से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना हो रहा है, हम कुछ दिन पहले जो है लखनऊ में ही जो है कैंसर का इलाज करते थे, जिसको लेकर कुछ उसमें हमको जो है अच्छा भी देखने मिला और उसमें सफलता पूर्वक भी करने मिला है मौका, उसी को कुछ दिन ये करते रहे, उसी के बाद जो है ये सुल्तानपुर में जो है अपना एक हॉस्पिटल खुला, हॉस्पिटल जो है नाक कान गले के स्पेशल डॉक्टर हैं, जो कैंसर का खास एक इन्होंने इलाज करके महिला का जो है जान बचाई है। वो मरीज भी इधर से उधर भटक रहा था, जो सही जगह पे जो है उनका इलाज करने को मौका मिला है। जी शुक्रिया आशुतोष जी जानकारी देने के लिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी गोष्ठी में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। साथ ही पीएम योगी ने सीएम को किसान सब्सिडी प्रमाण पत्र वितरित किया। इस गोष्ठी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और 4 मंडलों के कृषि अधिकारी समेत हजारों किसान शामिल हुए। लखनऊ में कोतवाली हजरतगंज में किन्नरों का जमावड़ा देखने को मिला है। आपको बता दें कि मामला किन्नरों के साथ रेप करने और लूटपाट का है। पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित किन्नर ने आरोप लगाया कि पुलिस खाना पूर्ति कर मामले को रफा दफा कर रही है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान लगभग 42 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। वहीं गांजे की कीमत लगभग 63 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक हाटा अपनी टीम के साथ गश्त में भ्रमणशील थे। उसी दौरान हाईवे के पास भड़कुड़वा मोड़ के पास एक कंटेनर और एक चारपहिया गाड़ी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी थी, जिस पे उनसे पूछताछ करने पे वो भागने लगे, जिनको दौड़ा करके पकड़ा गया। उसके बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि वो अवैध गांजा की तस्करी में लिप्त हैं और वाहनों में भी तलाशी के दौरान दोनों वाहनों में लगभग 42 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई जिले में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार तूल पकड़ता जा रहा है। बड़े स्तर पर अवैध मिट्टी खनन का कारोबार हो रहा है। खनन विभाग और पुलिस के संरक्षण में लगातार खनन माफिया अवैध मिट्टी का कारोबार कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा ही एक मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत सदई बहटा गांव में मिट्टी का खनन लगातार किया जा रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से रास्ता भी काफी खराब हो गया है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन हो गए 11 बजे रास्ता चालू ही रही और फिर सवेरे लक्षण की रात है और यहाँ गड्ढा कर देते हो, हम लोगों ने परेशानी हुई चौमास में निकली। तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे कोई नहीं है। खबर गोंडा से है, जहाँ जिला अस्पताल में डेंगू को लेकर विभाग के अधिकारियों ने मरीजों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था का प्रावधान किया। डेंगू और चिकनगुनिया के बुखार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है जो डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या अभी सामान्य स्थिति में है। वहीं जनपद का स्वास्थ्य विभाग लोगों को डेंगू की बीमारी से लड़ने के लिए और बचाव के तरह तरह के प्रचार प्रसार करके जागरूक कर रहा है। मनकापुर से आया हूँ सर। क्या नाम है? राम शरण। क्या हुआ है आपको? हमको प्लेटलेट डाउन हो गया है, डेंगू की शिकायत हो गई। डेंगू की शिकायत? तो आपको यहाँ सारी सुविधा मिल पा रही है? अब साहब सुविधा कल ही से आ रहे हैं, जब से सुई दवाई हो रहा है। मेरा जो है मरीज है ना डेंगू में भर्ती है, तो यहाँ का सुविधा सब ठीक ठाक है और लेकिन लेटरिन बाथरूम का सुविधा बहुत गलत है। न किसी में दरवाजा है, न किसी में वो है कुंडी है और गंदगी बहुत रहती है। सब जनता परेशान है इससे। आप कब आए हुए हैं? कितने दिन से? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। खबर गोंडा के जिले करनेलगंज से है, जहां बाल दिवस के अवसर पर उड़ान फाउंडेशन की ओर से उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय में प्रदर्शनी बाल मेला का आयोजन किया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई और अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम की शुरुआत में माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद बच्चों ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। फाउंडेशन की अध्यक्षता नाजिया यास्मीन ने बच्चों को संबोधित करते हुए बाल दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंधों में बाधा बनने पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि प्रेमी के घर में पति की हत्या कर शव को 6 फीट गड्ढे में छिपाया था और इसके बाद आरोपी महिला अपने देवर को पति की हत्या में फंसाने का लगातार प्रयास कर रही थी। 4 साल बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना का खुलासा किया है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। ।2018 में सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का चंद्रवीर की के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। दोनों की सलाती इसलिए, लेकिन थोड़ा तो डर लगता है ना कि अपने घर में किसी की हत्या करके तुम शव काट दोगे अपने घर में गाड़ी रखा। पर बार बार नो ऐसा नहीं हुआ तो हमारे वो हो जाएगा, आँच आ जाएगी इसलिए। खबर यूपी के चंदौली से है जहां पर अशोक इंटर कॉलेज के प्रांगण में महाराजा सुहेल देव और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल बिहार का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि अनिल राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हर समाज के साथ पिछड़े समाज का भी योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने मंगल बिहार के बलिदान को याद किया। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, जिनका बहुत ही आदर हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, आज उनके सम्मान का और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल बिहार जी के सम्मान का समारोह है आज यहाँ पर बुलाया गया। साथ ही साथ मोदी जी के संकल्पों का विजय हो उसका अभियान भी आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अलीगढ़ के कस्बा विजयगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रधानाध्यापिका ने छात्राओं से पोछा लगवाया, साथ ही खाना भी बनवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी के साथ शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री को 1 महीने पहले ही दी गई थी। तब से अब तक छात्राओं की शिक्षा में बाधा आ रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के मामले से वहाँ पढ़ते थे हम, झाड़ू पोंछा लगवाया था, काली देती थी, बॉक्स नाम काटने की धमकी देती थी, बॉक्स ला कर लकार के बाहर फेंक दूंगी, और खाना बनवाती थी रूम में, क्लास में। कौन से स्कूल में? कस्तूरबा गांधी आवासीय। तो उसकी कोई शिकायत वगैरह की गई थी? हाँ। यहाँ पर क्यों आए, जाँच वगैरह है क्या? हाँ मैम जी कह रहे थे कि हम अभी वहीं से आए हैं। क्या कह रही थी मैम? क्या ये काम तो सिखाने के लिए होते हैं, झाड़ू पोंछा खाना बनवाना ये सिखाने के लिए होते हैं वहाँ। हमारे बच्चे वहाँ विजयगढ़ कस्तूरबा में पढ़ते हैं, उनको उन पर काम करवाया जाता है और उनसे उल्टी सीधी बोलते हैं। कहने का मतलब सभ्यता के लिए बच्चे भेजे वहाँ, सभ्यता नहीं मिल रही बच्चों को, और बच्चों कुछ बच्चे हमसे डर के मारे कहते नहीं हैं, और बच्चों के हमको मालूम पड़ा एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें बच्चे काम भी कर रहे हैं, पोंछा झाड़ू और खाना भी बना रहे थे। आगरा में यमुना पार में समाज सेविका के नाम पर एक चौराहे का नामकरण किया गया, जिसका शिलान्यास महापौर ने नारियल और फीता काट कर किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने महापौर के कार्य की प्रशंसा भी की है। अब रॉयल चौराहे को स्वर्गीय कमलेश गुप्ता चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। देखिए आगरा के हमारे आगरा शहर की बहुत ही समाजसेवी कमलेश गुप्ता जी ने जनसेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए, उसको लेकर नगर निगम आगरा के द्वारा एक नगर निगम की बोर्ड में
प्रस्ताव पास किया गया। रॉयल स्कूल है यहाँ पर ट्रांसफर्मर कॉलोनी के पास, उस चौक का नाम बदलकर कमलेश गुप्ता जी के नाम पर आज हमने किया है। इसका विधिवत रूप से लोकार्पण भी किया है, शिला पट्टिका लगा के किया है। और ये कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि लोग प्रेरणा ले सकें। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गुरुबख्श गंज चौराहे के पास देसी शराब के ठेके के सामने युवक का शव मिला। शव के पास शराब के पाउच भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक तोदकपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। कुशीनगर के कसिया थाने में राम जानकी मंदिर से कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, तो वहीं कलश यात्रा में सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और काफी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर मंदिर परिसर में जलाभिषेक किया। बता दें कि 15 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज हमारे वार्ड नंबर 13 श्री राम जानकी नगर से ब्रह्मस्थान कसिया से जो कलश यात्रा निकला और पूरा कसिया ब्राह्मण होते हुए गोला चौरा ब्रिज होते हुए कुशीनगर हिरावती नदी में जल भरे और कुशीनगर के रास्ते हम लोग गांधी चौक होते अपने ब्रह्मस्थान पे आए। यहाँ पे कथा 14 नवंबर से 22 नवंबर तक होगी। हनुमानगढ़ी ब्रह्मस्थान से निकल के और जैन बिल्डिंग होते हुए और हम लोग रामाभार गए। रामाभार से कलश भरा गया और कलश भर के कुशीनगर होते हुए हम लोग फिर पुनः ब्रह्मस्थान पहुंच गया। कब से कब यह जगह जो है 14 तारीख को कलश यात्रा प्रारंभ हो गया, 15 तारीख से कथा प्रारंभ होगा। इसमें जो है स्तुति बहन की कथा हो रही है, राम कथा का अमृत वर्षा होगा और उसके बाद से जो है यह यज्ञ 14 से लेके 22 तक चलेगा। 22 तारीख को बड़ी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जो यह मंदिर के परिसर में होगा। राम कथा जो है मठ परिसर में कराया गया। यहाँ 15 सालों से योग किया जाता है और कथा का भी आयोजन भी किया जाता है क्या? हाँ, कथा का आयोजन है। कितने दिनों तक कथा का आयोजन किया जाता है? 15 तारीख से 22 तारीख से। कानपुर के कैंट स्थित एक होटल में केडीए कॉन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हुए। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के दौरान डायबिटीज समेत अन्य कई गंभीर बीमारियों पर चर्चा हुई जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने अपने सुझाव देते हुए अपने विचार रखे। सेमिनार के दौरान अलग अलग कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर दवाइयों के बारे में जानकारी दी। मैं डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी हूँ, कानपुर डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो 2022 की कॉन्फ्रेंस है जो हम इस 7th ईयर में कर रहे हैं उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। आज जो है केडीकॉन में करीब 822 रजिस्ट्रेशन हुए। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे जनरल फिजिशियंस हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, डाइटिशियंस हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनको डायबिटीज़ के नए शोधों के बारे में, नए जितने इलाज आए हैं उनके बारे में जानकारी दें जिससे कि वो कानपुर की जनता की बेहतर इलाज कर सके। गोंडा धानीपुर क्षेत्र के बाग में एक युवक का शव पड़ा मिला जिसके बाद मृतक की मां की तहरीर पर थाना धानीपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना के जल्द से जल्द खुलासे के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में टीमें गठित कर थाना धानीपुर को निर्देशित किया था। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को आनंद चौराहे के पास से पकड़ लिया गया है। जनपद गोंडा प्रभारी निरीक्षक धानीपुर और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का आशीष है और उसकी भाभी पूनम है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो 7 नवंबर को एक हफ्ते पहले एक सुनील कश्यप नाम के युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, बाद में उसका डेड बॉडी मिली थी। उसके संबंध में जो है विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो
एविडेंस कलेक्शन हुआ, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और भी जो परिस्थिति जन साक्ष्य थी और मोबाइल की चैटिंग और सीडीआर आदि से जो है वो पूरी तरह से हुआ कि ये जो पूनम से मृतक का अवैध संबंध था उसको लेकर के ये हत्या की गई थी। हत्या करके पहले गन्ने के खेत में डाल दिया गया था उस दिन और उसके बाद में उसको आत्महत्या का रूप देने के बाद के लिए दो दिन बाद जो है डेड बॉडी बगीचे में डाली गई थी। इनके द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा जो है अपराध की संस्कृति की गई है, इसमें एक अभियुक्त और संलिप्त रहा है, उसकी भी किसी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इन दोनों को मानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अलीगढ़ में एएमयू की 12वीं छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल अभी आत्महत्या करने की कोई वजह सामने नहीं आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अवैध कॉलोनियों और अवैध संपत्ति पर लगातार सीएम का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन फिर भी भूमाफिया अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ के थाना कारसी नगला पटवारी क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां बरसों पहले बच्चों के माँ बाप गुजर गए थे। बताया जाता है कि बच्चों के पिता ने वर्ष 2012 में प्लॉट खरीदा था जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। मासूम बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उस प्लॉट का फर्जी बेनामा कर लिया गया। उस फर्जी बेनामे की आड़ में मासूम बच्चों से प्लाट को खाली करवा लिया गया है। बच्चों के द्वारा इस बात की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई तो उन्होंने दबंगों का साथ ही दिया और बच्चों को फटकार कर भगा दिया। बच्चे अपने प्लॉट के पास से ही प्लास्टिक पॉलिथीन डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों छेड़ लिया? आप क्या चाहते हो? आपके कागज हैं उसके? आपने पुलिस में कंप्लेन करी? हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए 8-9 महीने पहले और ये प्लॉट हमसे जो जबरन छीना जा रहा, हमें प्लॉट नहीं दिया जा रहा, हम पे रहने की जगह नहीं है। कौन छीन रहा है आपसे जबरन? यही है के लोग। क्यों छीन रहे हैं? पता नहीं है, तो उन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन छीने जा रहा है। कागज किस पे है? कागज हम पर है, हमारे पिताजी के नाम पक्का बेनामा है। अवल तो खत्म हो गए, विकलांग के एक हाथ लाया उनका भाई का, ये जो है जमीन बेच कर प्लॉट लिया। हमें क्या पता कि इसमें धोखेबाजी होगी या हम पैसा छीनेंगे या हमें धमकाऊंगे। कौन लोग छीन रहे हैं? धमका यहीं के छीन रहे हैं हमसे जो है, और ना हमारी पुलिस सुनवाई कर रही ना हमारी वो कर रही, और केस भी चल रहा है। जबरन मट्टी डलवावें, कहीं बालू डलवावें, देखो कि ईट ला के चुन लिए। बताए इन बच्चों का क्या करें? 8 बहन भाई हैं, बताइए इनके माँ बाप है ना जरा राशे से के बच्चे मासूम बच्चे हैं, बताइए। मैं तो अपने घर मांग रही ना इन बच्चों को मिल जाए। हरदोई में बिलग्राम के तहसील सांडी नगर में महिला की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि 16 जनवरी 2012 को उसका बेनामा हुआ था जिस पर अवैध रूप से दबंगों ने कब्जा कर लिया। विरोध करने पर दबंग मारने पीटने के लिए आमादा हो जाते हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से लेकर तहसील तक की है, लेकिन सुनवाई ना होने से परेशान पीड़िता परिवार सहित SP से शिकायत करने पहुँची है। पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत लेकर आया हूं। मामला ये है कि मैंने जो ज़मीन 2012 में खरीदी थी सांडी नगर पालिका में, उसका बैनामा उसने 2014 में दूसरे किसी को कर दिया और वो वहां अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए मैं दरख्वास्त लेकर यहां पहले भी आ चुका हूं, यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्व का मामला है और आपने जो स्थानीय SDM वगैरह किसी से शिकायत की या नहीं? जी की है, बिलग्राम SDM से। मैंने वहाँ की तहसील बिलग्राम है, मैं वहाँ भी एक प्रार्थना पत्र लेकर गया तो उन्होंने कह दिया कि ये मामला आबादी का है, इस पर मर्जी हो वो निर्माण कर सकता है। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार। आप
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।